महामारी के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 47 देशों की यात्रा पर निकले यूरोपीय टीम शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। सेना से रिटायर कैप्टन राज के नेतृत्व में यूरोपियन बाइकर्स भ्रमण कर रहे हैं। अतुल्य भारत का भ्रमण यूरोपियन बाइकर्स ट्रूप वैशाली गर्व होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचा है। पूरे दिन वैशाली के विभिन्न बौद्ध व अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के साथ ही वैशाली गणराज्य से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद वे लोग मुजफ्फरपुर स्थित मिलिट्री स्टेशन हेडक्वार्टर से शनिवार को नेपाल और म्यांमार के लिए रवाना किए जाएंगे। पूरे ग्रुप को भारत में गाइड कर रहे सेना के रिटायर्ड कैप्टन राजकुमार ने बताया कि एक यूरोपियन बाइकर्स ट्रूप 47 देशों के भ्रमण पर निकला है। जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान होते हुए पाकिस्तान के रास्ते भारत में अट्टारी बॉर्डर से प्रवेश किया है। भारत में प्रवेश करते ही इन बाइकरों का स्वागत सेना द्वारा आम देकर किया गया। कोविड महामारी के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुल 47 देशों की यात्रा पर निकले हैं। अगले साल 23 अगस्त 2023 को यह ग्रुप अपने 47 देशों की यात्रा पूरी कर वापस फ्रांस में अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। ये जो फ्रेंच एक्सपीडिशन है ये फ्रांस से चला है, इटली से होके ये ईरान आए हैं और ईरान से ये सिल्क रूट कंट्रीज अजरबैजान, जॉर्जिया, अपना कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान से पाकिस्तान होके इंडिया में एंटर किया इन्होंने 9 जुलाई को, और 16 कंट्रीज ये ऑलरेडी घूम चुके हैं और इनका टोटल जो टूर है वो 47 कंट्री का है, ग्लोबल टूर। किस मिशन के तहत इन लोग निकले हैं? और पोस्ट पेंडेमिक जो है ये बेसिकली टूरिज्म को रिवाइव करना चाहते हैं, तो एक मैसेज ये कन्वे कर रहे हैं कि पेंडेमिक जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और इट इज़ टाइम टू बूस्ट टूरिज्म। तो जो आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया का, इसीलिए इसको हमारे साथ पार्टनरशिप में लिया गया है संदेश पहुंचाने के लिए कि इट इज़ टाइम टू मूव द टूरिज्म अहेड। कितनी टीम है इसमें? इसमें 16 बाइकर्स हैं और टोटल 16 टोटल राइडर्स हैं और 14 मोटरसाइकिल हैं। ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले जो राइडर्स? ये फ्रांस के हैं सारे के सारे, 16 के 16 राइडर जो हैं फ्रांस से। भारत के बारे में उन्होंने क्या अनुभव साझा किया? भारत के बारे में सबसे जो उनका अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जो और किसी भी देश में नहीं रहा, वो ये कि ये गर्मी के मौसम में आया और जब ये वाघा बॉर्डर से एंटर किए तो हमारी जो वहाँ पे फोर्सेस तैनात हैं उन्होंने इनका स्वागत आम से किया, मैंगो दे, और ये इनके लिए बहुत ही प्रफुल्लित एक्सपीरियंस था कि किसी देश में आपको इस तरीके से जो है वेलकम किया जाता है। और बाकी बनारस में इनका जो है बहुत ही एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा। मुजफ्फरपुर आकर कैसा लग रहा है? मुजफ्फरपुर पहुँचे हैं, मुजफ्फरपुर जो है बुद्धिस्ट का डोमिनेशन है यहाँ पे अपना स्पिरिचुअलिटी का, उसी को वैशाली करते हुए यहाँ आए हैं और अभी उसको एक्सप्लोर। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।